वेरीफाई करना है, एल पैरेलल एल। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि बिना ट्रांसवर्सल खींचे कोई या सॉरी या पैरेलल का साइन नहीं है, या आपका इक्वल का साइन था पहले ही बता चुके हैं, यह लाइन पैरेलल है इसके और यह इसके भी पैरेलल है, एल पैरेलल एम है, एम पैरेलल एन है, यानी कि एन भी एम के पैरेलल है, एल भी एम के पैरेलल है, तो एल और एन आपस में पैरेलल होंगे, इसी को हमको दिखाना है। कोई ट्रांसवर्सल पी खींच लेते हैं, ठीक है। ड्रो ड्रो पी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ में तो इस एंगल का नाम x दे दीजिए, इसका नाम y दे दीजिए और इसका नाम z दे दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं क्या, सिंस एल पैरेलल है एम के, एल और एम जब आपस में पैरेलल है तो देख रहे हैं क्या एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल वाई के, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इसको इक्वेशन इक्वेशन नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड एम पैरेलल है, एम पैरेलल है एन के, इसलिए एंगल वाई इक्वल होगा एंगल जेड के, एंगल वाई इक्वल होगा एंगल जेड के, यह भी क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देख रहे हैं एंगल एक्स वाई के इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है, तो एक्स और जेड भी तो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, यह दोनों क्या है एक्स और जेड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। जब एक्स और जेड आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए एल पैरेलल होगा एन के, दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है, प्रूव हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए।